वेलकम माय चैनल आशा सक्सेना फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि रिमूवल ऑफ डार्क सर्कल्स एंड अनवांटेड फेशियल हेयर एंड पिगमेंटेशन किस तरह से हम घर बैठे रिमूव कर सकते हैं। और ये हम जेलेटिन से करके बताएंगे आपको। ये जेलेटिन पाउडर है, काफी अच्छा है, फेशियल हेयर को रिमूव करने में पूरा सहायक है और जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं उनको भी रिमूव करता है। और डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, छोटे छोटे दाग धब्बों की जो प्रॉब्लम होती है उन सबको रिमूव करने में सहायक होगा। इसके अलावा हमारी जो स्किन है वो टाइटनिंग होगी, टाइटनिंग के साथ में हमको स्किन दिखाई देगी क्योंकि पील ऑफ की तरह से ही इसको अप्लाई किया जाएगा और हटाया जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, ये हम बताते हैं आपको कि इसको यूज करने का तरीका। देखिए, आप घर बैठे भी अपने फेशियल हेयर को रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काफी लोगों के कुछ बड़े हेयर होते हैं, उनसे परेशान होकर वो काफी इरिटेट होते हैं कि इतना अच्छा नहीं लगता है, फेस गंदा लगता है। तो उस परिस्थिति में आप घर बैठे जेलेटिन से आप आराम से अपने छुटकारा पाइए अनवांटेड हेयर से। और फेशियल हेयर जो आसानी से रिमूव होंगे वो हम आपको दिखाएंगे, जो बारीक हेयर होते हैं वो इसके जरिए पूरे से अच्छे से रिमूव होंगे। और इसको तैयार करने के लिए देखिए, ये जेलेटिन पाउडर है इसमें, और हम हनी लेंगे डाबर का, या होममेड हनी है ये, और टर्मरिक लेंगे और रॉ मिल्क लेंगे। तो यहाँ देखिए, बस घर में ये सामान आसानी से होता है जिसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मंगाने की प्रॉब्लम या फिर खर्चा करने की प्रॉब्लम, इतना सामान घर में हो जाता है। बस जेलेटिन पाउडर को हमको परचेज करना होगा। और अब देखिए, हम यहाँ अपने एक फेस के लिए बताते हैं आपको, हम पहले से ही बता दें कि इसको बनाने के बाद में हम लगाना बताएंगे, 30 मिनट तक लगा कर रखेंगे और उसके बाद फिर हम हटाएंगे। तो लगाने के बाद में हम बोल नहीं पाएंगे, तो इसलिए पहले से ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हर चीज को। ये देखिए, ये इस तरह से जेलेटिन पाउडर है। हम किसी कांच के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में लेंगे, हम ये 2 स्पून जेलेटिन पाउडर लेंगे। ये देखिए, 2 स्पून हमने लिया है। और अब हम हनी लेंगे, हनी जो छोटी स्पून होती है उससे इतना हनी काफी है। ये हमने हनी लिया, अब हम टर्मरिक लेंगे। वो देखिए आप, घर में हल्दी आसानी से मिल जाती है। और ये हल्दी का सबसे बड़ा यूज ये है कि जो अनवांटेड हेयर होते हैं सब, उन सबको रिमूव करने में काफी सहायक होती है और दाग धब्बों को हटाने में, हल्का करने में भी सहायक होती है। तो हल्दी हम इतनी लेंगे, इतनी काफी है हल्दी। सबसे ज्यादा हेयर को रिमूवल जो होगा वो हल्दी से होगा। और इसके अलावा देखिए, अब हम लेंगे रॉ मिल्क। रॉ मिल्क हम 2 स्पून लेंगे। ये इतना रॉ मिल्क लेंगे हम। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद देखिए, इसके एक पेस्ट के रूप में तैयार हो गया। ये इस पोजीशन में हमको दिखाई देगा। हमारा फेस क्लीन किया हुआ है और अभी हमने कोई मेकअप वगैरह नहीं किया है, तो हम अपने फेस पर करके बताते हैं आपको कि किस तरह से हम करेंगे। ये देखिए, हमने बैंड लगा लिया है हेयर को बचाने के लिए। और अब आपको अप्लाई करना बताएंगे कि फेस पर किस तरह से अप्लाई करेंगे। यहाँ हेयर को हमको अवॉइड करना होगा, बचाते हुए हमको इसको लगाना होगा पैक को।
और लगाने के बाद में 30 मिनट से हम वेट करेंगे सूखने का, और सूखने के बाद ही हम इसको हटा पाएंगे। हमको फ्लैट ब्रश लेना है जिससे लगाने में दिक्कत ना हो। डायरेक्शन का ध्यान रखना है हमको, और लॉन्ग हेयर पर बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आई लैशेस को बचाते हुए इस पोर्शन पर ज्यादा अनवांटेड हेयर होते हैं तो यहां ध्यान से आप लगाइएगा। ये देखिए इस तरह से ये सारा हमने फेस पर लगा लिया है। अब हम सूखने तक का वेट करेंगे और सूखने के बाद में फिर हटाएंगे। आफ्टर 30 मिनट बाद हम देख रहे हैं कि ये मास्क अच्छे से सूख गया है। और सूखने के बाद में देखिए हटाने का तरीका कि हम कॉर्नर सबसे पहले अलग करेंगे जिससे कि बाकी मास्क उतारने में हमको सहायता मिलेगी, अच्छे से हट पाएगा। और आप बाद में देखेंगे कि किस तरह से हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही इसको हटाएंगे और जो बारीक हेयर होते हैं, अनवांटेड हेयर, जो फेशियल हेयर होते हैं, वो इस मास्क के उतरने के बाद में इसमें अच्छे से रिमूव हो जाएंगे, दिखाई देंगे। दूर से दिखाई नहीं देते हैं बारीक हेयर, लेकिन हम देख रहे हैं कि काफ़ी बारीक हेयर निकल गए हैं। और हमारे ज़्यादा हैं भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको सिखाने के लिए बता रहे हैं हम कि काफ़ी बारीक हेयर होते भी हैं तो निकल जाते हैं और फेयरनेस हमें दिखाई देती है। तरीका इसका देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ हम डायरेक्शन लेंगे जिससे कि स्किन हमारी नीचे की साइड में नहीं ढलके। और ये देखिए सूखने का जो टाइम है वो बरसात के टाइम और सर्दी के टाइम में थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि मौसम के अनुसार ये सूख पाता है। और सूखने के बाद ही इसको हटाया जाएगा, गीले मास्क को नहीं हटा सकते हैं हम। फ्रेंड्स, ये जेलेटिन रिमूवल ऑफ अनवांटेड फेशियल हेयर, रिंकल्स, डार्क सर्कल्स एंड स्ट्रेच मार्क्स है। प्रोटीन अधिकतम मात्रा में होने के कारण इसमें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। और ये देखिए कि इसमें हमने जेलेटिन के अलावा इसमें रॉ मिल्क मिक्स किया है, और रॉ मिल्क से क्लिंजिंग का काम होगा, मॉइस्चराइज होगा, रिमूव ऑफ फाइन लाइंस होगी, रिंकल्स एंड पिगमेंटेशन भी होगा, और सन से प्रोटेक्शन मिलेगा। इसमें डैमेज स्किन जो मॉइस्चराइज की आवश्यकता होती है वो मिलेगा। इसके अलावा हमने इसमें हनी मिक्स किया है, तो हनी से हमको डिटॉक्स स्किन होगी, और इसके अलावा देखिए मॉइस्चर मिलेगा और डार्क सर्कल्स को रिमूव करने में भी हनी सहायक होगा। फिर आता है टर्मेरिक की बात, तो ये देखिए हल्दी से बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक है और हर्बल ट्रीटमेंट है, इससे काफ़ी सारे दाग धब्बों को हटाया जाता है, हेयर को भी रिमूव करने में सहायक होती है। और ये देखिए कितना अच्छा फेस लग रहा है, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट। विश्वास है आपको ज़रूर पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद।